झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार राज्य के जनप्रतिनिधियों से कोरोना को लेकर संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस बार उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के विधायकों और सांसदों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में खास तौर पर कोविड मरीजों के हित में अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त करने व ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम जैसे मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों ने अपनी राय सीएम से साझा की। इस पर मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों और सांसदों को दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर कोविड के खिलाफ समग्र प्रयास की बात कही। संक्रमण फैली हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने झारखंड के साथ पूरे देश में है। अब हम लोग सब ये जरूर है, अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचार, अलग अलग सोच के रहने के लोग होते हुए भी आज हम लोग एक ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां आज हम सब लोगों को एक साथ एक दूसरे का सहयोग लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदारी और एकजुटता के साथ प्रयास करने से हम जरूर राज्य को कोरोना के अभिशाप से बाहर निकालने में सफल होंगे। आज यह एक संतोष की बात है कि झारखंड दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। वहीं राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार लाने के प्रयास भी चल रहे हैं। अगर हम लोग सही ईमानदारी के साथ राज्य के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे तो हम इस अभिशाप से भी इस राज्य को बाहर निकाल लेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहूँगा। और आज इस संक्रमण में भी आप देख रहे होंगे, भले ही अखबारों के बड़े बड़े अखबारों में हम ना छप रहे हों, टीवी चैनलों में हम ना दिख रहे हों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में बड़े पैमाने पर इस राज्य से ऑक्सीजन पूरे देश में जा रहा है। बता दें कि सीएम ने बैठक के दौरान इस बात का भी भरोसा दिया कि सभी विधायकों और सांसदों को जिलों के नोडल पदाधिकारियों का नंबर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी ले सकें और शिकायतें साझा कर सकें। इससे कोविड के खिलाफ अभियान को भी मजबूती मिलेगी।